उन्होंने कितने कितने कार्यकर्ताओं की उंगली पकड़ी और उस राजनीतिक पनडुब्बी के ऊपर चलाने का, उनको कैसे संभालने का, उन्होंने हाथ पकड़ के उंगली पकड़ कर उनको ले जाने का काम किया। पर वफा का वह दौर अलग था। तब लोग किसी के किए हुए काम को और अच्छे काम को माना करते थे और कोई उपकार होता था तो उस उपकार को भी अच्छी तरह से समझते थे और उसको भी माना करते थे। लेकिन आज आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लोग उसी उंगली को पहले काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़ कर वो चलना सीखते थे। मैंने ध्यान नहीं दिया होगा ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने किस व्यय में बोला होगा वो तो वो, लेकिन वो हो सकता है उनके भाषण में कुछ ऐसा होगा या जिस सेमिनार में या जिस प्रोग्राम में होंगे उससे संबंधित कोई होगा। इस तरीके की कहीं चर्चा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, पूरा नेतृत्व, सत्ता और संगठन और सरकार दोनों तालमेल के साथ में इस राजस्थान की जनता की सेवा करने में लगी हुई। देखिए ये उनका किस वे में बोला है मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पर इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक मुखी होकर सभी चुनाव लड़ रहे हैं और सभी लोग चुनावी प्रचार में या जो भी चुनावी गतिविधियां में सभी लोग भाग ले रहे हैं।